तय करने और राज्य में दलित समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 14,505 करोड़ रुपए की 67 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदेगी। इसके तहत कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीदी जाएगी। सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने अदालत को दिए हलफनामे में अगस्त दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज उपलब्ध होने की बात कही थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 67 करोड़ डोज के अलावा सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन का भी ऑर्डर दिया है। इस कंपनी की कोवैक्सीन वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए सरकार अग्रिम भुगतान कर चुकी है। ऐसे में अगस्त दिसंबर के बीच सरकार के पास 96 करोड़ डोज होने का अनुमान है। इनमें से 75% खुराक केंद्र सरकार खुद रखेगी और राज्यों को देगी। बाकी निजी क्षेत्र के खाते में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 22 करोड़ डोज और आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर सराहना की थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी उन्होंने तारीफ की। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छुप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा बेबसी का सामना अकेले ही किया। इस सच्चाई को मोदी जी योगी जी भूल सकते हैं, जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वो नहीं भूलेंगे। बता दें पीएम मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। उन्होंने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया है, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के लिए इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में ही उपलब्ध होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पुख्ता करते हुए दिल्ली पुलिस ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक असामाजिक तत्व और आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की जानकारी है कि आतंकी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए आम पब्लिक, VIP और बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कदम उठाते हुए सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म जैसे कि पैराग्लाइडर, पैरामोटर हैंग ग्लाइडर, UAV, US एमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन, हॉट बैलून को दिल्ली में उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये प्रतिबंध 16 जुलाई से 16 अगस्त यानी कि 31 दिनों के लिए फिलहाल लागू रहेगा। अगर कोई भी प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर IPCC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर होती है। और हाल ही में बता दें कश्मीर में आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए फोर्स स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद से ही 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध दिल्ली पुलिस पहले हर साल लगाती आई है, लेकिन इस बार 15 अगस्त के कार्यक्रम के एक महीने पहले से ही ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बता दें दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिया है कि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक तो सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर उन्होंने उड़ाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जा रहे हैं उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के मद्देनजर सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध 31 दिन का लगा है। हर साल दिल्ली पुलिस ये कदम उठाती है, लेकिन इस साल ये एक महीने का होगा प्रतिबंध, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया है।
तो बता दें दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने सभी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर एक महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और कहा है कि कोई भी ड्रोन या फिर कोई भी तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं उड़ा सकेंगे और एक महीने का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई समय से जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जा रहे थे उसके बाद से ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि हर साल ये फैसला लिया जाता है लेकिन इस बार ये फैसला 31 दिनों का होगा, ये प्रतिबंध 31 दिनों का होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखे जा रहे हैं उसको देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो बता दें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये फैसला लिया गया है 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए, जिसके बाद 31 दिनों का प्रतिबंध दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है। पॉपुलर शो बालिका वधु समेत कई बड़े शोज और फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। एक्ट्रेस लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और साल 2020 में सुरेखा सीकरी को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बता दें 2018 में सुरेखा सीकरी को पैरालिटिक स्ट्रोक भी आया था। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सीकरी के निधन से बॉलीवुड और टीवी गलियारों में शोक की लहर है। सेलेब्स ने सुरेखा सीकरी के निधन पर दुख जताया है और सोशल मीडिया पर फैंस समेत तमाम सेलेब्स सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरेखा सीकरी ने बालिका वधू में दादिसा का रोल किया था और इस रोल में सुरेखा को काफी पसंद किया गया था। एक्ट्रेस को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। बता दें सुरेखा का अलविदा कह जाना फिल्म टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज ऑल इंडिया। नहीं होती कभी। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल पॉलिटाइज नहीं होते। नहीं नहीं हम काटेंगे नहीं।